हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टिकटॉक साइंस विद अजय सिंह सर। श्रेणी में फिजिक्स को स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि पहला टॉपिक है आपका कैपिलरिटी, केशिकत्व। कैपिलरिटी यानी कि केशिकत्व। दोस्तों, केशिकत्व क्या है इसको थोड़ा समझे हम, और केशिकत्व के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं और इसके एग्जाम्पल। ये एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कैपिलरिटी जो है वो केशिकत्व यानी कि किसी कांच की पतली नली में लिक्विड्स का, द्रवों का ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना क्या कहलाता है? कैपिलरी एक्शन कहलाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? कैपिलरिटी। और ध्यान से देखें जरा, इस कैपिलरिटी के लिए पीछे दो फैक्टर काम कर रहे हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, ससंजक बल और असंजक बल। देखते हैं पहले वो क्या चीज है। दोस्तों, दो बल हैं आपके पास में। पहला है कोहेसिव फोर्स, और दूसरा है एडहेसिव फोर्स। यानी ससंजक बल और असंजक बल, ये दोनों बल इस केशिकत्व को करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स, असंजक बल यानी कि एडहेसिव फोर्स, ये क्या चीज है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, दुनिया के सभी पदार्थ मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, अणुओं से बने हुए हैं, और अणु आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास में एक गिलास भर पानी है और इसके अंदर मैं पानी के विभिन्न मॉलिक्यूल्स को आपस में देखता हूं, तो ये क्या करते हैं? आपस में आकर्षण करते हैं। और अगर मैं कांच का ग्लास जो है उसका कांच और इस पानी के बीच में देखूं, तो उनके बीच भी में आकर्षण लगा हुआ है। यानी कांच के और पानी के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो आपका कहलाता है एडहेसिव फोर्स यानी कि असंजक बल, और पानी पानी के विभिन्न अणुओं के बीच में जो बल लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? ससंजक बल। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, समान प्रकार के मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो ससंजक यानी कोहेसिव फोर्स कहलाता है, और जो विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसको क्या कहा जाता है? एडहेसिव फोर्स कहा जाता है। यानी समान समान पानी पानी के बीच में और कांच कांच के बीच में, पारे पारे के बीच में, और अगर हम कहें कि कांच और पानी के बीच में, पारे यानी मरकरी और कांच के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको क्या जाया जाता है? एडहेसिव फोर्स यानी असंजक बल कहा जाता है। दोस्तों, दोनों ही बल गुरुत्वाकर्षण बल जैसा काम नहीं करते हैं, ये उसके विपरीत होते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो इनवर्स लॉ की पालना करता है, व्युत्क्रम नियम के इनवर्स की पालना करता है। कैसे भला? देखें, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या करता है? इनवर्स लॉ के वर्ग की पालना करता है, यानी व्युत्क्रम नियम के वर्ग की पालना करता है, जबकि ये दोनों बल इसको नहीं करते हैं। इसका मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल से बिल्कुल अलग हैं, और ये अलग इसलिए हैं दोस्तों, देखते हैं कैसे। यानी अगर मान लीजिए मेरे पास एक केश नली है और इसको मैंने पानी में डुबा रखा है, सपोज कीजिए ये इस प्रकार से पानी में मैंने डुबो रखा है इसको, और अगर मैं इस कैपिलरी की यानी केशिका की, क्या है ये? केशिका है। इसकी रेडियस मानता हूं, जो कि त्रिज्या है वो आर है, वो क्या है? त्रिज्या है, रेडियस, रेडियस जो है वो आर है, और उसका जो टी यानी कि पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, वो टी है, और अगर उसके जो लिक्विड जो है उसका जो घनत्व है वो डेंसिटी घनत्व, वो आपका डी है, डेंसिटी वो डी है। अगर तो अगर ये सब कुछ होने के बाद और इसका गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है,
तो इस नली के अंदर लिक्विड जितना ऊपर चढ़ेगा या नीचे उतरेगा उसके लिए कॉमन फार्मूला है दोस्तों, H बराबर 2T cos थीटा अपॉन R इंटू G इंटू D। यानी कि ये वो सूत्र है जो किसी कैपिलरी में पानी को ऊपर उठाने के लिए या नीचे गिराने के लिए संभव करता है। टी क्या चीज है यहां पर दोस्तों? सरफेस टेंशन, जिसका मैं पहले एक वीडियो डाल चुका हूं। आर क्या है? रेडियस है। रेडियस किसकी? कैपिलरी की। डी क्या है? घनत्व। किसका? लिक्विड का घनत्व, द्रव का घनत्व। और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू ये होती है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम जब ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस कैपिलरी एक्शन के अंदर, इस केशिकत्व के अंदर ये सारी चीजें काम करती हैं। और यहां पर जो थीटा है, थीटा जो है आपका वो कहलाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि स्पर्श कोण। और स्पर्श कोण की बदौलत कोई वस्तु, कोई लिक्विड किसी भी चीज को कितना भिगोता है या नहीं भिगोता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि जो कोहेसिव फोर्स, जो ससंजक बल है, ये सबसे ज्यादा होता है सॉलिड्स के बीच में, ठोसों के बीच में पाया जाता है। इसलिए ठोसों का निश्चित आकार भी होता है, निश्चित आयतन भी होता है, वो टाइटली एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, वो हमें साफ साफ दिख जाता है। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के अंदर उसका जो ससंजक बल है ठोसों से कम है लेकिन गैसों से ज्यादा होता है। इसीलिए वो आकार तो निश्चित दे देते हैं लेकिन आयतन उसका निश्चित नहीं हो पाता है। और इसी वजह से लिक्विड के बहने की प्रकृति आती है, फ्लो ऑफ लिक्विड्स की प्रकृति यहीं से आती है। और नंबर तीन पे हम गैसों का देखें तो गैसों में ससंजक बल नगण्य पाया जाता है, इस ना तो निश्चित उसका आकार होता है ना आयतन होता है। इसी वजह से उसके अंदर विसरण का गुण आता है, डिफ्यूजन का। किसमें? गैसों में किसका गुण आता है? डिफ्यूजन का, यानी विसरण का। इसी वजह से गैसें एक दूसरी जगह फैलती है, जिससे हम खुशबू को एक जगह से दूसरी जगह फैलते हुए देखते हैं, वो डिफ्यूजन के कारण होती है। और उसके पीछे भी ससंजक बल कार्य करता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या चीज है, इसके ऊपर थोड़ी जानकारी लेते हैं। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट को देखते हैं। हमारे पास में तीन बीकर में अलग अलग सब्सटेंस भरा हुआ है। पहले बीकर में है पानी, दूसरे में भी पानी, और तीसरे में पारा यानी कि मरकरी है। दो में वाटर है, तीसरे में मरकरी है। पहले में जो मैंने कैपलरी डाल रखी है, ये केशिका है आपकी, कैपलरी है केशिका। कांच की बनी हुई है, ये भी केशिका है कांच की बनी हुई है। और ये है आपकी चांदी की बनी हुई प्लेट, चांदी की बनी हुई प्लेट है दोस्तों। अगर मैं इस पूरे को समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो सरफेस है इसकी, लिक्विड की, पानी की, वो अवतलाकार बनी हुई है, अवतलाकार सतह है। यानी सरफेस कैसी है इसकी? कॉनकेव है। और इस केशिकत्व, केशिका और इस लिक्विड यानी पानी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, जो स्पर्श कोण है वो 90 डिग्री से कम है। यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से कम है। अगर मैं इसको सीधी लाइन मानूं ऐसे तो ये पूरा 90 डिग्री का होता, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री से कम है। यानी कि यहाँ पर न्यून कोण है आपका, एक्यूट एंगल चल रहा है। और ऐसे जो भी होते हैं उनमें क्या करते हैं, ये लिक्विड ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ये एंगल ऊपर की तरफ आ गया इसके, और ये ठोस को भिगोते हैं। इस प्रकार सॉलिड जो है वो गीला हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी जो हाइट कैसी होगी, जो हाइट मैंने आपको उस फार्मूले के अंदर बताई थी, वो हाइट होगी आपकी पॉजिटिव। और इसका जो परिणामी बल होगा, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो आपका ऊपर की तरफ होगा एफ, ऊपर की तरफ होगा एफ, परिणामी बल ऊपर की तरफ हो जाएगा एफ के रूप में। ठीक है दोस्तों, दूसरे वाले में देखते हैं हम। यहां पर जो सरफेस है वो सीधी रहेगी, किसके लिए? इसके लिए। सतह सपाट रहेगी,
सतह कैसी रहेगी, सपाट रहेगी, बिल्कुल सतह रहेगी। और इनके बीच में जो स्पर्श कोण है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो रहेगा आपका 90 डिग्री का, वो रहेगा आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री का। देखें जरा, ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच में जो बन रहा है कोण कैसा बन रहा है, बिल्कुल समकोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण रहेगा। और ये भी ठोस को भिगोते हैं, दे ऑल्सो वेट द सॉलिड्स। और नंबर तीन पे है, इसकी जो ऊंचाई होगी, हाइट, वो आपकी जीरो है, हाइट बिल्कुल नहीं ऊपर जा रही, जैसी थी वहीं पर होगा। यहां देखिए दोस्तों, बिल्कुल वो का वही है जो इसकी सतह थी, किसकी, पानी की। और नंबर तीन पे है, इसका जो परिणामी बल है, रिजल्टेंट फोर्स, वो कैसा रहेगा आपका, जीरो रहेगा। फोर्स कैसा रहेगा आपका, जीरो रहेगा, यानी जहां था लिक्विड वहीं पर बना रहेगा। दोस्तों पॉज करके इसको दोबारा आप देख सकते हो, मैं तीसरी पोजिशन पर देखता हूं इसको, अगर मैं इसमें देखूं तो यहां पर जो सतह है वो उत्तलाकार हो गई है, कॉन्वेक्स सरफेस हो गई, ऊपर से सीधी नहीं होकर कैसे हुई, कॉन्वेक्स हो गई है। और जो इनका स्पर्श कोण है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, वो देखो इससे ऊपर की तरफ जा रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, यानी कि अधिक कोण बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यानी अधिक कोण, यानी 90 से ज्यादा, क्या बोलेंगे इसको, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा बन रहा है। और ऐसे जो हैं लिक्विड्स, वो ठोस को नहीं भिगोते हैं, यानी ये लिक्विड जो है वो सॉलिड को वेट नहीं करेंगे। और ध्यान दीजिए, ये इस सतह से बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया है ये, यानी कि इसकी जो हाइट होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, यानी नीचे की तरफ आ गया लिक्विड उतर के, यहां पर सतह से नीचे आ गया है। और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी बल, वो आपका जो है नीचे की तरफ होगा, वो कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा, परिणामी बल जो है वो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो दोस्तों हमने तीनों कंडीशन इसकी देखी है। अब हमारे जीवन में केशिकत्व के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, और उन्हीं का एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में भी बनते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, इसको वापस देखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसको वापस देख सकते हैं। इसका जो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, वो है आपका पेड़ पौधों में पानी का चढ़ना, पानी का चढ़ना, मूवमेंट ऑफ लिक्विड इन ट्रीज एंड इन प्लांट्स। दूसरा है आपका मोमबत्ती, स्टोव और लालटेन में, मोमबत्ती में क्या चढ़ेगा, मोम चढ़ेगा, स्टोव में क्या चढ़ेगा, कैरोसिन, और लालटेन में भी क्या चढ़ेगा, कैरोसिन। यानी मोमबत्ती में मोम का चढ़ना, स्टोव में कैरोसिन का चढ़ना, और लालटेन में कैरोसिन का चढ़ना, ये दोनों क्या, दीपक में तेल का चढ़ना, ये भी आपको एग्जांपल पूछा गया है कई बार। नंबर तीन पे है, जब हम कॉलेज स्कूल के अंदर जब हम पेन चलाते थे तो हमारे पास फाउंटेन पेन होता था, ये ऐसी निब वाला पेन होता था, उसमें देखो दोस्तों यहां पर एक लाइन सी बनी होती थी, ये केशिका थी, तो पेन की निब द्वारा शाही को सोख लेना, कौन सा पेन, इंक पेन, फाउंटेन पेन, पेन की निब द्वारा शाही को सोख लेना। लेकिन जो आपके दूसरी रिफिल वाले पेन है उसमें ऐसा नहीं होता, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर नीचे होते हैं, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, किसी भी सूखे कपड़े को अगर आप बाल्टी में एक सिरा डाल दें तो बाकी का पूरा वो भीग जाएगा, यानी तौलिया का एक सिरा पानी में डालने पर पूरा तौलिया भीग जाना। अगर हम इसको ऐसा कहें कि सूखे कपड़े के साथ में अगर गीला कपड़ा रख दें तो
सूखा कपड़ा भी थोड़ा सा भीग जाएगा। इसी से संबंधित एक और है दोस्तों, जब आपको पसीना आता है तो पूरी टी शर्ट बनियान धीरे धीरे भीगना शुरू होती है और काफ़ी लंबे चौड़े छेरिए में भीग जाती है दोस्तों, ठीक है। और जब हम स्कूल में ये पेन चलाते थे तो हम स्कूल से एक चोरी करके ले जाते थे चीज जिसका नाम था चौक। चौक को चोरी करके ले जाते थे और चौक से भी हम इस शाही जो गिर जाती थी उसके टच करके उसको हमने वापस सोख लेना था। दोस्तों जब हम कभी हम बढ़िया रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें वहां पर सबसे पहले खाना खिलाने के बाद में हम पानी देखते हैं कि टूंटी कहां पर है जहां पर अपने हाथ धोएं। तो मैं भी दोस्तों एक बार ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में गया हुआ था और खाना खाने के बाद मैंने देखा टूंटी कहां पर है, तो टूंटी कहीं दिखी नहीं। इतने में वेटर सामने से लहराता हुआ आया और मेरे सामने एक स्टील का कटोरा रखा जिसमें नींबू कटे हुए थे और पानी गर्म था। और मुझे तुरंत याद आया कि माँ भी कहती थी कि आप मुन्ना जब खाना खाओ तो गर्म पानी पीना ताकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। मैंने सोचा माँ से भी ज़्यादा प्यार है यहाँ तो, और माँ तो नींबू भी नहीं देती, नींबू भी दे रहा है। तो जैसे ही मैंने देखा कि इसको नींबू निचोड़ो और पी जाओ, मैं ये महान कार्य करने ही वाला था कि मेरे अंतर मन से बात आई कि कहीं इतिहास ना बन जाए, रुक चारों तरफ देख। तो मैंने देखा सब लोग इस तरह से काम करे, तो एक परिवार को देखा तो उसमें एक बच्चा उस नींबू को निचोड़ रहा था। मैंने कहा अपने भी निचोड़ लेते हैं, जैसे ये पिएगा अपने पी जाएंगे। लेकिन उसने थोड़ी देर बाद में देखा नींबू में से हाथ ऐसे धोए और तौलिए से साफ किया जो छोटा सा नैपकिन पड़ा था, और मैंने पीछे मुड़ के देखा सारे वेटर की नज़र मेरे पे थी कि कहीं ये पानी पी ना जाए। तो दोस्तों जैसे ही मैंने भी वो पानी से हाथ को पोंछा तो मेरा हाथ तो सूख गया लेकिन वो नैपकिन जो था वो गीला हो गया। इसका मतलब वो केशिका काम कर रही थी वहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास में आता है टिश्यू पेपर, ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर को बोलते हैं छन्ना पत्र, साइंस के विद्यार्थी जानते हैं कि इसको छानने के लिए काम लिया जाता है, और नैपकिन। ये सब लिक्विड्स को सोख लेते हैं, आदि के द्वारा लिक्विड्स को सोख लेना। और दोस्तों आपने टीवी में ऐड देखा होगा कि आजकल के बच्चे जो हैं वो मुस्कुराते हुए उठते हैं, बिल्कुल उनके माँ बाप उनको पहनाते हैं हगीज, जो दोनों ही प्रोग्राम को रोकने के लिए सक्षम होते हैं। लेकिन पहले के टाइम में गांव में क्या होते थे, पोतड़े होते थे जो केवल एक ही प्रोग्राम को रोक सकते थे, इसलिए बच्चा उठता हुआ आता था बाहर। इसलिए जो ये बच्चों को जो हगीज़ वगैरह पहनाते हैं वो भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि भारी बरसात के बाद किसान अपने खेतों में हल चलाया जाता है। किसान द्वारा खेतों में हल चलाया जाना, क्योंकि मिट्टी के अंदर नेचुरल कैपिलरीज बनी होती हैं दोस्तों, जिसकी वजह से पानी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट एंगल उसका ज़्यादा रहेगा 90, जिसकी वजह से पानी से ऊपर आ जाएगा और नमी सूख जाएगी। इसलिए किसान डिस्क हैरो या तवी हैरो चला करके उसको केश नलियों को तोड़ देता है ताकि मिट्टी में वो नमी बनी रहे और पौधों के लिए लाभकारी हो। दूसरा दोस्तों, कॉफी जो हम पीते हैं, कॉफी पाउडर जैसे ही हम दूध में मिलाएंगे या पानी मिलाएंगे तो तुरंत वो उसको गीला कर देगा। तो कॉफी पाउडर का क्या हो जाना, गीला हो जाना भी किसके ऊपर काम करता है, इसी के ऊपर काम करता है। दोस्तों ये सारे एग्जांपल्स हमें डेली लाइफ में इस केशिकत्व के अंदर पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपने बखूबी समझा होगा और इसका पूरा उपयोग आप एग्जाम में लेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।